एससी एसटी एक्ट आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद रखा है। एमपी के कुछ जिलों में इस बंद का समर्थन किया गया है। सोशल मीडिया पर संपूर्ण भारत बंद का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर भाजपा सांसद ने निशाना साधा है। भारत बंद को लेकर मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सपा बसपा एससी एसटी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी जीवन भर राजनीति ही की है, अब मायावती और अन्य दल भी वही कर रहे हैं। आरक्षण पर प्रतिबंध कांग्रेस के शासन काल में ही लगा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिनों तक विचार विमर्श किया, पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर आए क्योंकि इसको पास कराना था। उस समय भी विपक्ष ने कहा था कि हम संविधान का खंडन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, कोई दूसरा काम है नहीं, एसटी एससी के नाम पर राजनीति करना है। जीवन भर कांग्रेस ने राजनीति किया एसटी एससी के नाम पर, आज मायावती भी ये कर रही, बाकी और लोग भी कर रहे हैं। देखिए, मैं उस समय भी देखा जब आरक्षण पर प्रतिबंध लगा, और ये किसके समय, कांग्रेस के समय में 94-95 में 4 OMS जारी हुए, उस समय भी प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 दिनों तक उनने एक बैठक किया। बैठक के बाद पार्लियामेंट में जब लेकर के आए, चूंकि पार्लियामेंट से इसको पास करना था, अप्रूव कराना था, तब उस समय भी जब पार्लियामेंट का विषय आया तो उस समय भी कहा कि ये संविधान का खंडन कर रहे हैं, संविधान में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।